मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इंग्लिश में एसे ऑन माय कंट्री, यानी निबंध, मेरा देश पर निबंध। तो स्टूडेंट्स, आप सभी किस देश में रहते हो? भारत देश में। हम सभी भारत देश में रहते हैं, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि हमारे भारत देश में किस तरह के लोग रहते हैं, हमारे भारत देश में क्या कौन कौन सी इमारतें हैं, हमारे देश की शान किस चीज़ों में है। तो आज हम यही सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और अपने भारत देश को जानेंगे। वैसे तो हम आज ये ऐसे इंग्लिश में करेंगे, बट मैं आपको हिंदी में हर लाइन को अच्छे से बताती जाऊंगी ताकि आपको इंग्लिश में लर्न करने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, द नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया। मेरे देश का नाम इंडिया है। सेकेंड, इट इज ऑल्सो नोन एज भारत एंड हिंदुस्तान। इसे भारत और हिंदुस्तान भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, जो इंडिया होता है वो इंग्लिश में बोला जाता है, और जो भारत और हिंदुस्तान है ये दोनों वर्ड्स हिंदी में बोले जाते हैं। तो क्लियर है सबको? भारत के स्पेलिंग्स BHARAT, भारत। हिंदुस्तान HINDUSTAN, हिंदुस्तान। क्लियर? थर्ड, इट इज वेरी वास्ट एंड ब्यूटिफुल। वास्ट, BAST, वास्ट। वास्ट मतलब बहुत बड़ा। एंड ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटिफुल मतलब सुंदर। ये बहुत बड़ा और सुंदर है। फोर्थ, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया को इंडिपेंडेंस क्या होती है? स्वतंत्रता। INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। स्टूडेंट्स, आपको पता है पहले क्या था? जो ब्रिटिशर्स थे, यानी जो अंग्रेज थे, उन्होंने भारत पर कब्जा किया हुआ था, भारत को अपना गुलाम बनाया हुआ था। भारतीयों को वैसे ही करना पड़ता था जैसा कि अंग्रेज उनसे उन्हें करने के लिए बोलते थे। पर तो उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, आपने सुना होगा जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, ये सब जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, ये हमारे देश के लिए लड़े और इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, और फिर जाकर 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिल गई। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता। नेक्स्ट, फिफ्थ, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। न्यू दिल्ली मतलब नई दिल्ली, NEWDELHI, न्यू दिल्ली। कैपिटल मतलब राजधानी, CAPITAL, कैपिटल ऑफ इंडिया। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। कैपिटल क्या होता है? एक वो टाउन या सिटी, एक ऐसी जगह जहां पर किसी भी देश या फिर किसी भी राज्य की जो सरकार है वो रहती है और देश को चलाती है, किसी भी देश को या किसी भी राज्य को चलाती है। ठीक है, तो न्यू दिल्ली यानी जो भारत की जो सरकार है वो कहाँ रहती है? न्यू दिल्ली में रहती है। और सारे देश को का जो फंक्शंस है वो सारे कहाँ से करती है? न्यू दिल्ली से सारे देश को चलाती है। सिक्स, मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। NAREND RA, नरेंद्र, MODI, मोदी। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। तो प्रधानमंत्री अब कहाँ रहेंगे? न्यू दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में, जो कि हमारे भारत की कैपिटल है। तो वो नई दिल्ली में रहते हैं और नई दिल्ली में ही से ही जो सरकार है वो हमारी जो देश है उसको चलाते हैं, पूरा देश चलाते हैं। नेक्स्ट है सेवेंथ, इट इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जो भारत है वो सातवां विश्व का सबसे बड़ा देश है। लार्जेस्ट मतलब बड़ा, LARGEST, कंट्री यानी देश, इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब विश्व। सो नेक्स्ट कौन सा है? सेवेंथ। आपको ये याद रखना है कौन से नंबर पे आता है भारत।
8th. It extends from Kashmir in north to Kanyakumari in south. Extend मतलब फैला हुआ है, जो हमारा भारत देश है वो फैला हुआ है कश्मीर इन नॉर्थ. कश्मीर क्या है? एक जगह है. जम्मू एंड कश्मीर सुना आपने, ये एक स्टेट है. तो यहाँ नॉर्थ मतलब जो भारत का ऊपरी भाग है, जो उत्तर दिशा हम बोलते हैं, जिसको उत्तर दिशा में नॉर्थ उत्तर दिशा में कश्मीर से लेके दक्षिण दिशा में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ये सारा हमारा भारत देश है. एक्सटेंड मतलब फैला हुआ है. EXTEND एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर, KASHMIR कश्मीर इन नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर से, टू कन्याकुमारी, KANYAKUMARI कन्याकुमारी इन साउथ मतलब दक्षिण तक. ये जो हमारा भारत देश है वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है. 9th, वर्ल्ड बिगेस्ट माउंटेन हिमालय इज क्राउन ऑफ इंडिया. वर्ल्ड मतलब विश्व का बिगेस्ट सबसे बड़ा माउंटेन, माउंटेन होती है चोटी, पर्वत की चोटी बोलते हैं, या फिर पर्वत जो है, जो कि क्या है, हिमालय है, इस क्राउन ऑफ इंडिया. क्राउन क्या है? ताज. वो हमारे भारत देश का ताज है हिमालय, जो कि इंडिया में यानी हमारे भारत देश में है. ये हमारा एक क्राउन है, ताज है, हमारे लिए एक शान की बात है. ये हमारे देश की शान है, ये हमारे देश का क्राउन है. नेक्स्ट, ऑल रिलीजन्स को एग्जिस्ट है. रिलीजन्स क्या होते हैं? धर्म. को एग्जिस्ट मतलब यहाँ पर रहते हैं. यहाँ पर भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं. देखो अब भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, गुरुपुरब भी मनाते हैं और क्रिसमस भी मनाते हैं. अगर आप किसी और देश में चले जाओ, किसी फॉरेन में चले जाओ, तो आप देखोगे वहाँ पर लोग सिर्फ एक ही तरह के लोग रहते हैं, जो एक ही धर्म को मानते हैं ज़्यादातर. तो वो लोग सिर्फ क्रिसमस मनाते हैं, बाकी ये सारे फेस्टिवल्स नहीं मनाते. तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं. ऑल रिलीजन्स को एग्जिस्ट हियर. रिलीजन्स RELIGIONS रिलीजन्स को एग्जिस्ट, CO देन आपने छोटा सा हाइफन देना, देन EXIST एग्जिस्ट हियर. हियर मतलब यहाँ पर. नेक्स्ट है 11th, ताजमहल. ताजमहल का नाम सुने सबने, ताजमहल जो कि आगरा में है, विच इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन इंडिया. ताजमहल जो कि आगरा में है, जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, पढ़े हैं ना, पता है ना सबको 7 वंडर्स कौन कौन से हैं? तो 7 वंडर्स में से एक वंडर हमारे भारत में है. ये देखो ये कितनी प्राइड, गर्व की बात है कि जो 7 वंडर है उनमें से एक वंडर जो कि ताजमहल है वो हमारे भारत में है, वो यहीं पे लाई करता है. तो ताजमहल TAJMAHAL ताजमहल, विच इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो 7 वंडर्स में से एक है, लाइज इन इंडिया, वो इंडिया में लाई करता है, मतलब यहाँ इंडिया में है. क्लियर? नेक्स्ट 12th, आई एम प्राउड ऑफ my कंट्री. मुझे अपनी कंट्री पर गर्व है. प्राउड मतलब गर्व, PROUD प्राउड मतलब गर्व. कंट्री देश, मुझे अपनी कंट्री, मुझे अपने देश पर गर्व है. तो आई होप आप सबको सुनने में अच्छा लगा. हमें अपनी कंट्री के बारे में कितना कुछ पता चला कि हमारी कंट्री पहले गुलाम थी, बट अब हमारी कंट्री आज़ाद है बिल्कुल. हमारी कंट्री की कैपिटल कौन सी है, प्रधानमंत्री क्या नाम क्या है, हमारी कंट्री कितनी बड़ी है, कौन से 7th लार्जेस्ट कंट्री है, हमारी कंट्री में सबसे ऊपर क्या है, कश्मीर है, और सबसे लास्ट में